स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। मैं आज आया हूँ कच्छ भुज। कच्छ जो गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यह 18 से अधिक विभिन्न जनजातियों के साथ दुनिया भर के सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है, जो अपनी अलग अलग भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के बावजूद सादगीपूर्ण ढंग से रहते हैं। हालांकि कच्छ के रण में जीप और ऊंट सफर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षक है, लेकिन देखने के लिए यहाँ पर और भी कई अन्य खूबसूरत स्थल हैं, जैसे कालू डूंगर, मांडवी बीच, नारायण सरोवर, कोटेश्वर मंदिर, विजय विला पिलेस, कच्छ म्यूजियम, सफेद रण, आईना महल, डोलावीरा, हरमिसार लेक, जैसल तोरण की समाधि। पर इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जैसल तोरण की समाधि, काड़ू डूंगर और सफेद रण को। सती तोरल और जैसल जाडेजा की समाधि कच्छ के अंजार में स्थित है। यह स्थल भुज से सिर्फ 40 किलोमीटर और कंडला बंदरगाह से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुजरात के इस ऐतिहासिक स्थल में साल भर हजारों पर्यटक आते हैं। जैसल तोरण की समाधि से काड़ू डूंगर की दूरी है 128 किलोमीटर, जिसे तय करने में हमें लगेंगे तकरीबन 2 घंटे। रास्ते में आपको नजर आएगा ये चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर आगे की तरफ ढलान होते हुए भी आप अगर गाड़ी का इंजन बंद करते हैं तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। काड़ू डूंगर मैग्नेटिक हिल एक लोकप्रिय ऑप्टिकल भ्रम है, जहाँ वाहन गुरु तत्व आकर्षक को चुनौती देते हुए ढलान पर लुटकता हुआ प्रतीत होता है। मैं अभी खड़ा हूँ कच्छ भुज के इस मैग्नेटिक जोन पर और आप देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ ढलान होते हुए भी गाड़ी का इंजन अगर आप ऑफ करते हैं तो आपको गाड़ी पीछे की ओर जाती हुई नजर आएगी। काला डूंगर पहुंचते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा ये भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर। यह पहाड़ी भगवान दत्तात्रेय को समर्पित 400 साल पुराने मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कवि दंतियों के कथन के अनुसार भगवान दत्तात्रेय यहाँ पे आराम करने के लिए रुके थे और उन्हें भूखे सियारों का एक समूह मिला था। उन्हें खाने के लिए अपना शरीर दिया और जैसे ही सियारों ने उनके शरीर को खाया, उनका शरीर लगातार अपने आप पूर्व जीवित हो गया। पिछली 4 शताब्दियों से मंदिर के पुजारी देर शाम भोजन के लिए आने वाले सियारों के लिए पके हुए चावल तैयार करते हैं। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं काड़ू डूंगर के सबसे ऊंचे स्थान पर और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे का ये खूबसूरत नजारा, जो 462 मीटर यानी 1516 फीट की ऊंचाई पर स्थित कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान है। यह भुज जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर और निकटतम शहर खावड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से सफेद रण के उल्लेखनीय दृश्य दिखाई देते हैं। कालो डूंगर संभवत कच्छ का एकमात्र स्थान है जहाँ से कच्छ के मान रण का दृश्य आप देख पाएंगे। पहाड़ी की तला से 15 मीटर ड्राइव पर आप इंडिया ब्रिज पहुंच सकते हैं, जो कच्छ को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह क्षेत्र सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहाँ पर इसीलिए फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। चूंकि यह पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब स्थित है, इसीलिए शीर्ष पर एक सेना चौकी भी है, जहाँ से आगे केवल सैन्य कर्मियों को ही अनुमति दी जाती है। भारत पाक सीमा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हम अभी जा रहे हैं कच्छ के सफेद रण में। यात्रा के लिए आपको अपने स्वयं के परिवहन की आवश्यकता होगी। ब्लैक हिल से व्हाइट डिजर्ट की दूरी है 50 किलोमीटर की। गुजरात में स्थित इस व्हाइट डिजर्ट वाले खूबसूरत स्थान को कच्छ के रण के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का मुख्य आकर्षक है व्हाइट डिजर्ट यानी सफेद रेगिस्तान और रण उत्सव, जो देश के विभिन्न क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यह है सफेद रण में अंदर जाने का एंट्री पॉइंट और आप यहां पर अपनी परमिट निकाल के सफेद रण के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिसका किराया है पर पर्सन 100 रुपये। आपने देश के विभिन्न रेगिस्तान में पीले रंग का रेत देखा होगा, लेकिन इस रेगिस्तान में आपको सफेद रेत देखने को मिलेगा, जो इस स्थान को देश के अन्य रेगिस्तान से अलग बनाता है। आज हम घूमने आए हैं व्हाइट डेजर्ट, गांधीधाम गुजरात से 95 मीटर की दूरी पे।
अभी मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं चल रहा हूँ किसी बर्फ के ढेर पर दरअसल ऐसा नहीं है, ये पूरा भरा रहता है पानी से बारिश की सीज़न में, और जब बारिश की सीज़न ख़त्म होती है तो पानी सूख जाता है और पीछे रह जाता है ये नमक जिसे हम वाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। आप अगर आते हैं यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है और आप साथ साथ मजा ले सकते हैं रण उत्सव का। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यहाँ से आप दूर सामने की ओर देखेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे जैसे यहाँ पर संगम हो रहा हो जमीन और आसमान का। गुजरात के इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का भी आयोजन होता है जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। आप आते हैं उत्तराखंड यानी 14 जनवरी को तो आप यहाँ पर काइट फेस्टिवल का भी भरपूर आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर काइट फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को भी बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही आप देख पाएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में मातानु मठ, मांडवी बीच, कोटेश्वर मंदिर और नारायण सरोवर को।